ये तो लाने और बनाने वाले की तारीफ है, बेचने वाले कोई तारीफ नहीं है। एक लो बढ़िया लो, नया लो, अच्छा लो। बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी मैं हूँ इस समय होटल दी हंस में, नियर टू कनॉट प्लेस। और कल मैं यहाँ पे आया था और उसके बाद मुझे कुछ काम था, उसको कल कंप्लीट किया। और आज हम दिल्ली में हैं, कुछ दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे। अभी सबसे पहले जाएंगे सीपी। सीपी जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर देखेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर रूम बहुत अच्छा है ये, और 20th फ्लोर पे है। यहाँ से ये काफी अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ से काफी पास में है सीपी, यहाँ से क्लियर दिख रहा है। ये जो पोर्शन है ये सीपी का है। उसके बाद ये सब कंपनियों के यहाँ पे ऑफिसेज हैं। इस जगह पे है ये 12 खंबा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, कनॉट प्लेस के पास में ही है। तो अब चलिए चलते हैं सीपी और उसके बाद फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। हेलो, लोग प्लान कर रहे थे मेट्रो से जाने के लिए, लेकिन क्या है बाहर गर्मी इतनी ज्यादा है कि फिर मेट्रो जाओ, मेट्रो से इधर उधर जाओ। तो उसकी बजाय हमने प्लान किया है कि गाड़ी से ही चलते हैं। हम लोग सीपी आए थे, सीपी में एक शॉप पे रुके क्योंकि मैडम को टैटो बनवाना था। और यहाँ पर तो अभी इसमें ये क्या बनवा रहे हो रुचि? ये मैं इसमें हार्ट बनवा रही हूँ और उसके साथ में 3 स्टार। देख लो भाई, ऐसे चल रही है मौज। तो कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है? नहीं लग रहा है, मुझे पता होता है कि इतना दर्द होगा तो मैं कभी नहीं बनवाती। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। वहाँ से वो ब्लैक लिया ना कलर, और इसे नीडल में सक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं। और ये लगाते हैं एक क्रीम, ये फिनिशिंग के लिए। मुझे बाहर चल के जूस पिलाते हैं। क्यों? बहुत कमजोरी है। अभी हम लोग थे सीपी में टैटू बनवाने के बाद। हम लोग सीपी में घूम रहे थे, तभी जैसा कि हमारे साथ कुछ समय पहले कोलकाता राइड में भी हुआ था, कंटिन्यू बारिश मिली। और अभी हम लोग यहाँ भी घूमने आए तो भी कंटिन्यू बारिश शुरू हो गई है। पर ठीक है, मौसम अच्छा है, मज़ा आ रही है। तो थोड़ी देर और यहाँ पे घूमते हैं और उसके बाद चलते हैं लाजपत नगर मार्केट। A few moments later. अभी हम लोग सीपी में घूम रहे थे तो एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। तो ये चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ पे देखिए कोई भी अपना फ़ोन चार्ज कर सकता है। ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे सब जगह कॉर्नर में लगे हुए हैं, काफ़ी जगह। तो किसी की भी बैटरी डाउन या कुछ भी होता है तो वो मोबाइल चार्ज यहाँ पे कर सकता है। पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ, होटल में चलो, कोल्ड ड्रिंक पीने, चॉकलेट सब बंद करो। इनका पूरा दिमाग वहाँ खरीद में लटका हुआ है। ए फ्लैग। सो होटल के रूम में कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट है तो उसी में इसका पूरा दिमाग है। hey! आपको चॉकलेट नहीं खानी और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देंगे वहाँ पे? देखो मम्मा। मम्मा क्या बोलेगी? हो गई डील, हम ऐसे ही बदनाम हो गए बीच में। हम नहीं पीने देंगे आपको कोल्ड ड्रिंक। आप भी पुच्छा दे दो, दे देंगे। पुच्छा से मिलता है। ठीक है भाई, आप पी लेना। ठीक है, ओके, डन। Thank you.
जा रहे थे लाजपत नगर मार्केट, बट रास्ते में दिखा इंडिया गेट, तो ये देखिए। तो हमने सोचा कि यहाँ भी रुक लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं। अमर जवान ज्योति, ये देखिए यहाँ पे ये जल रही है। तो ये अमर जवान ज्योति है और ये 24 घंटे पूरी साल हर समय चलती रहती है, कभी भी ये बंद नहीं की जाती। और इंडिया गेट बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जो 70,000 इंडियन सोल्जर्स और कुछ यूके के सोल्जर्स, उनकी याद में बना था, और उनका जो नाम है वो भी इसके ऊपर लिखवाया गया है। तो इधर आप देखेंगे ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी इस बिल्डिंग पे 70,000 इंडियन प्लस कुछ यूके के सोल्जर्स का नाम लिखा हुआ है। ये देखिए इसमें दिख रहा है विलिस्की राइफल चंद्र सिंह नवी, अप्रोक्स 70,000 इंडियन सोल्जर्स प्लस यूके के जो सोल्जर्स थे उनके लिए याद में ये बनवाया गया था। और इंडिया के बिगेस्ट मेमोरियल में से एक है ये अमर जवान ज्योति, सामने दिखाए जैसा कि मैंने आपको। और इंडिया गेट जो ओपन होने की टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से 8:30 तक है, यहाँ कोई टिकट नहीं लगता है। और रिट्रीट सेरेमनी जो है वो 6:45 पे होती है, तो आप 6:30 तक यहाँ आ सकते हैं और उसके बाद रिट्रीट सेरेमनी को देख सकते हैं डेली। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा व्यू है, एक पूरा पार्क है, गार्डन है, फाउंटेन है। जनपद नगर मार्केट के रोड पे, और अभी हम लोग को भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ मैकडी में खाना खाने लगे। और खाना खाने के बाद फिर जाते हैं लोकल मार्केट, क्योंकि आज पूरे दिन घूमने में थक भी बहुत ज़्यादा गए हैं। तो पहले कुछ खाते हैं फिर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं लोकल मार्केट के बारे में। तो ये देखिए इतनी तेज़ इनको भूख लगी है, चिल्ला रहे हैं। ये एक अपना फिनिश कर चुके हैं, हाँ अभी ये मेरा इनका बर्गर चल रहा है। चलो तो अब मैं अपना फिनिश करता हूँ, और मैंने मंगाया मैक चिकन, और इसको फिनिश करने के बाद फिर चलते हैं मार्केट, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। तो आज दिल्ली का घूमना ठीक ठाक हो गया, एक्टिव भी हो गया, थकावट भी हो गई और मज़ा भी बहुत आया। अभी हम लोगों ने ये सामने मैकडी है यहाँ पे खाना खाया था, और उसके बाद ये जनपद मेट्रो स्टेशन है और ये जनपद मार्केट है, ये पूरा स्ट्रेट यहाँ पे मार्केट है। वाले की तारीफ है, बेचने वाले कोई तारीफ नहीं है। एक लो बढ़िया लो, नया लो, अच्छा लो। जिसने जनपद का नाम रखा वो तो मर गए, हम लोग झेल रहे हैं। किसने रखा मुझे खुद नहीं पता। ये माल में दम है, रेट बहुत कम है, पॉकेट में पैसा नहीं तो सामने एटीएम में बैंक ऑफ बड़ौदा जाकर निकाल लो। अभी तक का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज का जो टाइम था, जो शेड्यूल था, उस हिसाब से हमने पूरी कोशिश करी आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाने की। काफी कुछ चीजें आपको दिखाई भी हैं, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अभी थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, जो यहाँ से होटल का व्यू है ये देखिए।
तो ये जो व्यू है यहाँ से, ये सामने अपना सीपी, उसके बाद ये एरिया यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस और कोचिंग सेंटर, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा रात का यहाँ का टाइम लैप्स भी लेने की, और टाइम लैप्स अगर अच्छा आता है तो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।